अरे सोना तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, पढ़ाई लिखाई का टाइम निकल गया ना तो रह जाएगी गंवार की गंवार। अरे उठ रे, अरे पढ़ लिख लेगी तो कुछ बन जाएगी। ये लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, भगवान कैसे इसको समझाया जाए पढ़ाई लिखाई के बारे में, भगवान कैसे इसको बताऊं, इसकी अक्कल मत मारी गई है का भगवान, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई कुछ अक्कल नहीं आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं है, कैसे इसको मास्टर जी पास करने में समझ में नहीं आता है। अरे चल उड़ जाओ अभी, नहीं तो मौत खाएगी हमसे, बता दिए थे धोखा। चलो उड़ अभी, देख हम जात है स्कूल के लिए, जल्दी तैयार हो जा। और सुन, अम्मा ने हमको बताया ना कि तू घर पे थी, तो मौत खाएगी हमसे। अभी ना पागल है पूरी, हमेशा बोले स्कूल जा पढ़ाई कर, क्या करेंगे पढ़ाई करके, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है सिवाय इस गरीबी के और इस कटकटी ईमान के। मैं तो किस्मत ही खराब है, इससे तो अच्छा होता अम्मा मुझे पैदा ही ना करती, खुद की जिंदगी तो खराब थी ही, मुझे भी इस नरक में शामिल कर दिया। जिंदगी
का सब ठीक बा? ठीक बा, दवा लिया ना? सब ठीक बा। हाँ हाँ सब ठीक बा। अच्छा 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 ठीक बा ना? ठीक है ठीक है। आज स्कूल में क्या किया? टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है, बहुत काम है, रोज का ही तो वैसे ही रहता है काम। अच्छा ये कहाँ मिला रे? रोड पर, कुछ अलग है ना अम्मा, ये मोम का खिलौना। अरे पागल, ये खिलौना थोड़ी ही है, तो मन्नत का चढ़ावा है। एक मदर मैरी को चढ़ाए के भक्त लोगन मन्नत मांगा था, जेका देख के मदर मैरी भक्त लोगन की मनोकामना पूरी करत है। अम्मा, ए अम्मा, तूने जो बोला वो सच में होता है का? अरे वही मदर मैरी वाली बात। हाँ सब सच हुई थे। चलो सोई जा रे, रात में रोत नहीं और दिन में जागत नहीं। भगवान, अम्मा ने कहा था कि तू सबकी मनोकामना पूरी करती है, मुझे भी वो वाली जिंदगी दे दे, बड़ी सी गाड़ी, ड्राइवर, कपड़े, मोबाइल। मैं भी कितनी पागल हूँ ना अम्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुझे कोसती रहती हूँ, लेकिन अब मैं तेरी इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। थैंक यू मदर मैरी।